नमें नमें फितरे घड़े जाने, वो जी ऐसे है वैसे ही है। हमारा बाबा हमें बताकर गया है कि ये जगह तहकीक की नहीं है, ये जगह अदब की, ये जाय अदब है। जिसकी भी नस्बत हुजूर से हो गई है, हम कौन होते हैं उन्हें तकड़ी तौल में लेकर और जनाब तराजू में ले तौल के कर ये जनाब ऐसे था, ये नहीं ऐसे था। हमारा अकीदा आला हजरत वाला है, हक बदस्ते हैदर करार, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, उन पे तानो तशरीक कारे फुज्जार। फरमाया जो हजरत अमीर मुआविया के बारे में बात करे वो हाविया दोज़ख का कुत्ता है, बस इतनी बात। और ये तो हमें तो वजात करने की भी जरूरत नहीं है, मजे की बात, हमें अपने अकीदे की वजात करने की भी जरूरत नहीं है। बस पूछे कि जनाब आपका इस बारे में क्या ख्याल है, एक को गाल सुना करो, धुर धुर माल कर पै गए कुत्तों, एक जुमले में हमारा अकीदा वाज़ेह हो जाता है, उनको पता लग जाता है कि भाई ये किस लाइन वाले हैं। और हम वो भी नहीं है कि आले बैत का जिक्र करें और दिल घुटे हुए हों, ना 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 ना। और जनाब जब सहाबा का जिक्र आए तो दिल घुटे हुए, आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूल लाग। और हमें ये डर नहीं है अपने अकायद के बारे, इसलिए कि हमारे पास अकीदा बड़ा वाज़े और खुशनुमा है और हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलती। गंदी बात से मुराद ये है कि किसी के बारे में कोई लफ्ज नहीं निकलता, हमने सबको माना है हुजूर की वजह से, है नहीं? और बाबा जी ने कहा कि हमने सहाबा को भी माना हुजूर की वजह से, आले बैत को भी माना। अब आगे किसी का दिमाग खराब हो जाता था, उसने कहा था हुजूर को, तो फरमाया अब्बा खुदा खुदा का यही है दर। हजरत इमाम रब्बानी ने कहा है ना, मैंने रब को रब माना ही तब है कि वो रब मोहम्मद है, बस इतनी सी बात है। हमारे पास म्यार एक ही है, हुजूर की जात है, बस क़यामत तक। और हमें दाएं बाएं निकलना भी नहीं चाहिए, हमारे बड़े कोई ऐसी बातें नहीं। हजरत पीर मेर अली शाह साहब, मैं बात करने लगा, ये देखे खत्म नबूवत का अकीदा, लोग दलीलें देते रहे, पता नहीं क्या कुछ करते रहे। बाबा जी ने कहा मिर्जई तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब के दरबार के बाहर जो कुत्ता बैठा ना उससे भी बदतर है। बस ये है खत्म नबूवत का अकीदा, ये है नामूसे रिसालत का अकीदा। और ऐसे ही बात नहीं बनती। हजरत खालिद बिन वलीद रूमियों के साथ जंग कर रहे, एक जनरल आगे आ गया, उसने कहा खालिद ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, जो हमारे बारे में कहते हैं, और ना जी इन्हें गर्मी लगती ना इन्हें सर्दी लगती ना अपना वेख देने ना बेगाया वेख दे ना अगे घूमता वेख देन। मैं एक गल है सहाबत बारे भी लोग यही कहते सर, उन्हें क्या हो यार खालिद ना दिन देख दो ना रात देख दो ना सुबह देख दो ना शाम देख दो ना बाहर देख दो ना खजान देख दो ना समंदर देख दो ना जनाब नहरा देख दो जिधरों आंदे हो जनाब हर शहर पता करी जान दो और दसो तो सही किस नबी का कलमा पढ़े उसकी शान की है। फरमाया अल मुरसल वाला कदर अल मुरसल, फरमाया वो तो भेजने वाले की शान बंद कर आए थे। और पीर मेरे शाह साहब की जबानी, उस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू मैं जानाम के जाने जहान आखा, सच आखा ते मैं रब दी शान आखा, जे शान तुशाना सब बढ़िया, लहो मुख तो मुखत्त बुरदे यमन, मन भावरी झलक दिखलाओ सजन, ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन, जो हमरा वादी सनकरियां, इना सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवारी सदके जांदियां ते, इना बर्दियां मुफ्त विकांदियां ते, शाला वत भी आमन ओ घड़ियां, ए सूरत शाला पेश नजर। ऐसे वास्ते बाबा जी सारी जिंदगी जोर लांदे रहन के ए सूरत शाला पेश नजर, रहे वक्त नजात रोजे हशर, पुलती कबर ते जद होसन गुजर, सब खोटियां थी सन तदखरियां, सुभान अल्लाह माज मलका मा सनका माक मलका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, उस्ताद की किथे जान। आज आज उलमाओ मशायख कन्वेंशन डबियन बावलपुर में मैं हाजिर हुआ हूँ और आप लोग भी सारे हम हाजिर हैं। मकसद एक ही है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, और ना हमारे अकीदों में कोई मसला है कि हम बात यहाँ से करके जाएं तो बाद में लोग पूछते रहें कि यहाँ किसके खिलाफ बात हुई है या ये कौन लोग थे। हम जाएं या हम ना आएं या हमारा कहीं भी तारुफ हो तो वो तारुफ एक ही बचता है कि ये सारे हुजूर के आशिक हैं, ये हुजूर के गुलाम हैं। और उलमा अंबिया के वारिस हैं और उलमाए किराम की जितनी शानें हैं अगर वो तमाम बयान करनी चाहें तो वो तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक सारी शानें हुजूर ने खुद बयान फरमाई हैं अपनी उम्मत के उलमा की। और उलमा वो हैं जिनकी तरतीब बिल्कुल सीधी है। साफ जाहिर है इल्म पढ़ने से तो बंदा आलिम नहीं ना हो जाता, ना
चार किताबें लिखने से बंदा आलिम होता है। आलिम तो वही है अगर कमर में तैमत भी बदा हो तो कुरान की हिफाजत के लिए अहमद बिन हम्बल बादशाह वक्त के सामने खड़ा हो। उस दौर के बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मशायख हैं, बड़े बड़े लोग हैं, शायद तारीख में खोलने से भी उनका जिक्र नहीं मिलता। और अहमद बिन हम्बल वो है जिसकी बात जब तक ना की जाए उलमा का जिक्र मुकम्मल नहीं होता। और उलमा तो अपने जमाने के बहुत बड़े होंगे लेकिन जब बात मौलवी की आएगी, और ये तो हमने अपने बाबा जी से सुना है कि अव्वलीन व आखिरीन जब क़यामत वाले दिन सारे जमा होंगे और निदा देने वाला मुनादी खड़ा होकर कहेगा कि इस पूरे हशर के मैदान में सबसे बड़ा आलिम खड़ा हो जाए तो कोई खड़ा नहीं होगा, इमाम अहमद, इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा खड़े होंगे। आलिम तो फिर वो है। और हम जिनके मुकल्लद हैं सारे हनफी बैठे हैं, हम ये तो बताते हैं कि इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा की ये शाने हैं, ये शाने हैं, ये शाने हैं, लेकिन एक शान जिसे तकरीबन छुपाया गया है वो मैंने अमीरुल मुजाहिदीन की जुबान से सुनी है। कहा हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लद हैं और इमाम साहब हमारे इमाम हैं, हम उनकी तकलीद करते हैं, तो फिर हमारे इमाम का तो जनाजा ही जेल से उठा है। और इमाम साहब जेल में किसी प्लाट के तनाजे पर नहीं गए, इमाम साहब जेल में किसी मस्जिद के तनाजे पर नहीं गए, इमाम साहब जेल में मसनद कजा के तनाजे पर गए हैं। और मसनद कजा इस्लामी मुमलिकत की सबसे बड़ी मसनद होती है, मसनद कजा यानी काजीउल कजा यानी काजी की मसनद, और सबसे बड़ा काजी इमाम आजम सबसे बड़ी काजी की मसनद की लड़ाई पर। और लड़ाई ये नहीं कि मैंने मसनद हासिल करनी है, इसलिए कि ये मसनद तुम बादशाहों ने इस तरह बना दी है कि यहाँ बैठकर मैं हक अदा नहीं कर सकूंगा, इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा जेल चले गए लेकिन बादशाह की बात नहीं मानी। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम, जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम, अंधे शीशे झला झल धमकने लगे, जलवा रेजी ये दावत पे लाखों सलाम, जिसके आगे सरे सरवरां खम रहे, उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम, जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम, शोर तकबीर से थर थराती जमी, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम, नाराहाए दलेरां से बन गूंजते गुर्रशे को से जुरअत पे लाखों सलाम, वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, जान सारा ने बदरो उहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम, अस्तक सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम, साया मुस्तफा माया इस्तफा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम, फारिग के हक को बातिल इमामुल हुदा तेग़ मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, तर्जुमान नबी हम जुबान नबी जान शान अदालत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम, यानी वो उस्मान साहेब कमीसे हुदा गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजई साकिये शीर व शरबत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन
परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, माहिये रिज़्ज़ो तफ़ज़ीलो नस्बो खुरूज, हामिये दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम, पारहाए सुहफ गुंचहाए कुदस अहले बैते नुबुव्वत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम।